फिल्म को हमने एक शिक्षा माफिया के ऊपर बनाया है। अच्छा। जो आज सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो कंपटीशन है, और शायद आप भी, हमको लगता है आप लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे पहले, लेकिन अभी ये शिक्षा माफिया जो है इस कदर से एक दीमक की तरह हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। इतने सारी फैसिलिटीज़, इतने सारे फी, इतने सारे बच्चों के ऊपर बर्डन, जो कभी सरकारी स्कूल में नहीं हुआ करता था और अभी भी नहीं है। लेकिन अभी हर आदमी, गार्जियन जो बच्चों का है, वो सोचता है कि भाई मैं सीधा बोर्डिंग स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराऊँ, उनके पास फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी। लेकिन हमारे इस फिल्म के माध्यम से हमने दिखाया है कि जब उसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके, और हमारे देश के बहुत बड़े बड़े मंत्री, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने हैं, तो आज क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का काफ़ी सारा योजना इस पर चल रहा है, तो ये सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। और इसमें अम्रपाली जी का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, जिन्होंने सरकारी स्कूल के लिए जो लड़ी हुई है इस पिक्चर में, और बच्चों के फ्यूचर के लिए अपना बहुत बड़ा जॉब छोड़ करके सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। लेकिन दिनेश जी की मुझे लगता है कि ये पहली पिक्चर होगी जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया है, और लेकिन एक बहुत आदर्श कैरेक्टर जो आगे चल करके ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा माफिया बन करके और जो समाज के लिए एक मतलब अभिशाप है, उन लोग के लिए बहुत बड़ा मैसेंजर बनते हैं, और लास्ट में सबको बताते हैं कि भाई नहीं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं, हमारे गरीब भाई हैं, उनको भी एक सही शिक्षा मिलना चाहिए, और उनको भी एक सही मुकाम तक जाने के लिए हमें पूरे समाज को, सबको हमारी मेहनत करनी चाहिए। विषय तो बहुत अच्छा है, एक मैसेज है इसके अंदर। गवर्नमेंट्स बहुत एड्स भेजती है सरकारी स्कूलों को, जिला परिषद स्कूलों को, लेकिन जो माफिया हैं, या तो वो अपने प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसको एक धंधा बना दिया है, शिक्षा को बेचना। गवर्नमेंट स्कूल तक प्रॉपर फैसिलिटी और प्रॉपर एजुकेशन ना पहुंचाने देना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको मिले, उसको हाईलाइट किया इस पिक्चर में। दिनेश जी ने नेगेटिव करेक्टर जरूर किया है, लेकिन उन्होंने भी अपने करेक्टर के थ्रू, अपने किरदार के थ्रू एक संदेश दिया है, जो कि बाद में पॉजिटिव हो जाता है। वो भी रियलाइज़ करते हैं कि हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, भले ही वो आम्रपाली जी के प्यार में आने के बाद उस चीज़ को समझते हैं, और उनके पिताजी का भी जो किरदार है वो इन्होंने अवधेश जी ने किया है, वो भी रियलाइज़ करते हैं कि हम जो पैसे के लिए बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, और इस तरह फिर वो पूरा चेंज करते हैं स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को वापस से डेवलप करते हैं, बच्चों को फिर वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। ये अगर पूरे देश में हो जाए तो हमारा जो शिक्षा का अभियान है वो पूरा हो सकता है, यही एक संदेश इस पिक्चर में। नमस्कार, पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों को, साथियों को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं संजय महानंद इस फिल्म का एक किरदार हूँ, एक इसका हिस्सा हूँ, और जैसे हमारे निर्देशक महोदय ने आपको सब कुछ बताई दिया है, हमारे निर्माता जी ने ही बता दिया है कि किस विषय पे फिल्म बनी है, और कास्टिंग के बारे में भी डिटेल में बात की जानी चाहिए कि दिनेश जी हैं ही, दिनेश जी हैं, आम्रपाली जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, नीलम वशिष्ठ जी हैं, और मैं हूँ, प्रकाश जैन जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, हम सारे लोगों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर मनोज जी ने, मनोज नारायण जी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, बहुत एक सोशल इशू पे एक सब्जेक्ट उठाया है और उस पर ताना बाना बुना है वो, कि कॉमेडी भी हो, मसाला भी हो, इमोशनल भी हो, ड्रामा भी हो, और उसके साथ साथ एक मैसेज हो, तो उम्मीद है कि एक सोशल इशू के साथ हम पूरा मनोरंजन देंगे दर्शकों को, और उसमें जो हम सब की जो अपनी अपनी भागीदारी है उसमें लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है रोमियो राजा, और ये पब्लिक को थिएटर तक लेके आएगी, और इस पिक्चर में सारे चीज़ें जो होनी चाहिए, दिनेश जी की ये पिक्चर बहुत दिनों के बाद ऐसी पिक्चर बनाई है मनोज नारायण जी ने, और ये पिक्चर मेरे हिसाब से इतनी अच्छी बनी है कि पब्लिक को थिएटर तक आना पड़ेगा। और सर जो रिलीज डेट भी शायद होली का, तो उसके हम कहना चाहेंगे। जी, होली पे हम लोगों ने अनाउंस किया है डेट, और हम लोग इसलिए होली पे अनाउंस किया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके,
चूँकि उस पीरियड में छुट्टी भी होती है और हमारे यूपी में बिहार में चूँकि वहीं पर सबसे ज़्यादा ये शिक्षा माफिया का क्राइम है, तो वो लोग देखें और इससे कुछ सीखें, इसके लिए हम लोगों ने अनाउंस किया कि होली में हम लोग रिलीज़ करेंगे और शायद अगर आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो हम लोग ज़रूर करेंगे। तो फिल्म का जो सब्जेक्ट है पोस्टर जो है कुछ और ही कह रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि फिल्म में हर तरह का मसाला होना चाहिए। आज का समय ऐसा आ गया है कि हर तरह के लोग जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और एक सिर्फ सोशल सब्जेक्ट के ऊपर हम पिक्चर अगर बनाते हैं तो लोग उसमें एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से इसको कॉमर्शियल भी बनाया है पिक्चर को, लैबिश लोकेशन, लैबिश मतलब पिक्चराइजेशन, और लैबिश जो कैमरा, जो लेटेस्ट कैमरा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने इसका जो फाइट है, जो 50-50 फाइटर बाइकर्स, वो हमारे आप फर्स्ट लुक में आप देखे होंगे कि दिनेश जी 50-50 फाइटर्स को मारते हैं, वो भी बाइक से मारते हैं। सब्जेक्ट बड़ा अलग तरह का है, लेकिन ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को बड़ा थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन हर तरह का मसाला हमने इस पिक्चर में डाला है। 200 डांसर्स हैं जो हिमालय के वादियों में हमने पिक्चराइज किया है। तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश किया है, मैं तो नहीं बोलूँगा कि हमने बहुत बड़ी पिक्चर बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हालत है, तो इस पिक्चर से शायद कुछ मतलब ऑडियंस हमारे हॉल तक पहुंचे और लोगों को लगे कि नहीं, भोजपुरी भी साफ़ सुथरी बनती है। इसके पहले होली मैंने शेरे हिंदुस्तान अपना रिलीज़ किया था, और उसके पहले मैंने दुर्गा रिलीज़ की थी होली में, तो काफ़ी अच्छी गई थी फिल्म, और दामनी वगैरह भी हमारा बहुत सुपर डुपर हिट रहा है। तो मैंने हमेशा एक तरह से समाज के लिए एक मैसेज स्टोरी बनाया है, और इसमें हर तरह का मसाला डाला है कि हर तबके के लोगों को मनोरंजन हो। सर, संगीत किस तरह का है? आइटम सॉन्ग्स है या सिचुएशन सॉन्ग्स है? देखिए, मैं इसमें उस तरह की, मेरी शुरू से मेरी आदत है, मैं कभी वल्गर फिल्में नहीं बनाता हूँ। मेरी फिल्मों में आइटम आइटम नहीं होता है सर, मैं बहुत साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन फिल्में बनाता हूँ। यहाँ तक कि मैं वो बॉडी में भी कुछ इस तरह का पार्ट्स को मैं शूट नहीं करता हूँ जिसे परिवार के साथ बैठ के देखने वाले लोग मुँह छिपा दें। मेरी पिक्चर काफ़ी साफ़ सुथरी है, चूँकि मैसेज जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से वल्गर गाने या वल्गरिटी ये हमारे फिल्म के लिए बहुत गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, इसका शूट मैक्सिमम हमने झारखंड में किया है, क्योंकि तो झारखंड हमारे लिए बड़ा लकी रहा है और खूबसूरत लोकेशन है वहाँ पे, और बाकी बहुत सारा शूट मैंने नेपाल में भी किया है, तो इंडिया और नेपाल दोनों जगह हमने शूट किया है इसको। देखिए, फिल्म बहुत अच्छी चलनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए। हम लोगों ने तो बहुत मेहनत किया है, और उम्मीद है कि दर्शक जब इसको पसंद करेंगे तभी हमारा मेहनत सफल होगा। हमारे निर्माता बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। वहाँ पर पहाड़ में जाके हम लोगों को खाना नहीं मिलता था, फिर भी हमारा एक इनका सोच था कि भाई एक अच्छी फिल्म बननी चाहिए। चूँकि ये पहली पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका एक सोच था कि फिल्म ऐसी बननी चाहिए कि जो हम अपने फैमिली के साथ बैठकर देखें और लोगों को लगे कि भोजपुरी है, भोजपुरी में भी दम है, हम भी कंपटीशन कर सकते हैं और लोगों से। शूटिंग के दरमियान बहुत सारे यादगार पल होते हैं, कोई ऐसे यादगार पल आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कहीं कहीं मुझे, हम और दिनेश जी और अमरपाली जी शूट कर रहे थे एक ऐसे जगह पर जहाँ बारिश हो गई, और दिनेश जी का थोड़ा पैर भी स्लिप कर गया था, तो हमने बोला कि आज शूटिंग बैकअप कर देते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, हम शूटिंग बैकअप नहीं करेंगे, थोड़ी मोच है। लेकिन उन्होंने शूट किया और वो पल हमारे लिए बड़ा अच्छा था। बाकी हमारे संजय भाई ने बताया, क्योंकि ये भी हमारे फिल्म के बहुत मेन आर्टिस्ट हैं, और यही वो सरकारी टीचर हैं जो पैसा लेते हैं सरकार से और जाके बैंड बजा बजाते हैं पार्ट टाइम में, और क्लास में बच्चों का मतलब ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कैरेक्टर बड़ा बखूबी इन्होंने निभाया है। मनोज टाइगर जी भी हैं, ये सब सरकारी स्कूल के टीचर है, जो सरकारी स्कूल में जो प्रॉब्लम्स आता है, तो वो सारी चीज़ें इनके साथ भी उन्होंने बहुत शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करके, और सभी कोई कोऑपरेट किया। मुझे ऐसा लगा, उदेश जी का कोऑपरेशन, अमरपाली जी का कोऑपरेशन, तो हम लोग इंजॉय करते थे, और थोड़ी बहुत कोई घटना होती थी तो बहुत मज़ा से हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। कब तक इसका प्रोमो लॉन्च कर रहे हैं? इसका प्रोमो हम लोग नेक्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे, और आज से हम लोग शुरू किए हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोगों का प्रोमो भी आ जाएगा, उसके बाद में हमारा वो ट्रेलर भी आएगा। अच्छा, दिनेश जी के कितने गाने हैं? लगभग इसमें गाने ज़्यादा नहीं है, 6 गाने ही हमने डाला है, वो भी सब सिचुएशनल सॉन्ग है। चूँकि हीरो हीरोइन का कोई इसमें बहुत ज़्यादा रोमांस हमने दिखाया नहीं है, तो दिनेश जी के ऊपर 4 गाने हैं,
और एक गाने हमारा थोड़ा सैड सॉन्ग है, इस तरह से मतलब मिला के 6 गाने हैं हमारे। संजय जी किरदार अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा किरदार हमेशा की तरह और जैसे फिल्मों में रहता है, लोगों को हंसाना और गुदगुदाना और एंटरटेन करना मेरा काम है, और मुझे जिस काम के लिए सौंपा गया है, जो काम मैंने बखूबी निभाई है उस काम को, और उम्मीद है कि इस फिल्म में भी लोग बहुत इन्जॉय करेंगे मेरे कैरेक्टर को। और जैसे कि थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बता दूँ, सर ने कहा है कि मैं एक सरकारी स्कूल में चपरासी हूँ, लेकिन मैं जाके सिर्फ साइन कर देता हूँ जैसे आमतौर पर होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी करने वालों का एक मेंटेलिटी है कि यार साइन कर देंगे तो ही हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई है, तो सर जाके साइन करता हूँ, और साइड में एक बिजनेस चल रहा है मेरा, सहनाई बजाने का, अपना साटा का काम चल रहा है। तो वो कैरेक्टर है उस तरीके से हाथ से पैदा होता है। मेरी भी एक हीरोइन है और मुझे भी दे दिया इन्होंने एक हीरोइन, जाके मजाक मस्ती करिए, लोगों का मनोरंजन करिए, तो उसी तरीके से लोगों को बहुत हंसाने और गुदगुदाने वाला, उम्मीद है कि लोगों को। और ये भी दिनेश जी की तरह लास्ट में इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, हाँ, कि भाई मैं गवर्नमेंट जो पैसा मुझे देती है वो जितना पैसा देती है उससे ज़्यादा हमें सहयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए या स्कूल के सहयोग के लिए करना चाहिए, तो ये भी बाद में जाकर सुधर। बाद में वही है कि सोशल इशू पे है, पढ़ाई और एजुकेशन माफिया पे है, तो एंड ऑफ जो है कर्टन कॉल जो यही जाता है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, और सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग, सरकारी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए बस, और आखिरी में हैप्पी एंडिंग जैसे कि होता है। उम्मीद है लोग इस फिल्म को जब देखेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो एक मैसेज लेके जाएंगे। देखिए संबंध कुछ ऐसा नहीं है, टाइटल से हमारे सब्जेक्ट का कुछ वो लेना देना नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा टिपिकल नाम इसलिए रखा कि लोगों के जबान पे चढ़ जाए, क्योंकि अभी हैं हम लोग भोजपुरिया ही हैं, थोड़ा सा अब हमारे ऑडियंस है इसका बहुत हिंदी स्टाइल में नाम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि हमारे दर्शक फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने वैसे नाम भी फिल्म से अलग नहीं है, हम लोग जरूर सोशल तो है ही, लेकिन साथ में जो हीरो का हमारा किरदार है, कैरेक्टर है, उसका नाम रिलेट करता है नाम, तो इसलिए अब क्योंकि हम अगर सोशल इशू की फिल्म बना रहे हैं और वैसे ही नाम रख दें तो लोग एक कैटेगरीज बना लेते हैं कि ये इस कैटेगरी की फिल्म होगी, इस कैटेगरी, क्योंकि हम भोजपुरी बना रहे हैं तो कमर्शियल और थोड़ा सा एंटरटेनिंग पूरा होना चाहिए मसाला, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम हीरो के कैरेक्टर को लेके भी टाइटल रखे हुए हैं। इसमें दूसरा एक ये भी है कि जो लव स्टोरी है ना, उसकी वजह से ही दिनेश जी को जो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है वो बिकॉज ऑफ हिज लव, जो उनका आम्रपाली जी के प्रति लव है, एक तरह से वो नेगेटिव होते हुए भी पूरे रोमियो बन गए थे उनके प्यार में, और उस प्यार ने उनको बदला है, और उस बदलने के बाद जो मैसेज गया है समाज में वो एजुकेशन के लिए गया है। कितना मुश्किल हुआ नीरव जी को आपको नेगेटिव रोल के लिए मनाने के लिए? आपने शायद फर्स्ट लुक में मेरा देखा होगा, उनका हेयर स्टाइल वगैरह काफ़ी मैंने चेंज किया हुआ है, चूँकि वो हमारे फिल्म में एक अनपढ़ गंवार का कैरेक्टर कर रहे किए हुए हैं और नेगेटिव है, तो मैं क्या समझाऊँ, वो तो बहुत बड़े स्टार हैं और इसलिए दुनिया उनको सलाम करती है, मैं भी सलाम करता हूँ उनको, और वो कैरेक्टर में इस तरह से डूब गए और अभी तक पूरी फिल्म में वो डूबे हुए हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये दिनेश जी के लिए कंधे पर एक बहुत बड़ा बोझ हम लोगों ने डाला है, आम्रपाली जी के कंधे पे भी, कि दोनों आदमी ने इस पिक्चर के हर सीन में, हर पार्ट में, हर डायलॉग्स में, हर कंपोजिशन में उन्होंने हमारा सहयोग किया, और अगर कुछ इस तरह के डायलॉग्स होता था जो मैं दिनेश जी को कैसे दूँ बोलने के लिए, तो बोलते थे भैया कौन सा डायलॉग, बोले ऐसा है नेगेटिव है तो आप कैसे बोले, बोले अरे एकदम बोलेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं आपको दूसरी बार मैं काम किया सर हिंदुस्तान के बाद में, लेकिन इतना कोऑपरेट करने वाला आर्टिस्ट शायद बहुत कम मिलेगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।